सब्सक्राइब कीजिए इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनाया था और इसे बनाने में तकरीबन 20 सालों का समय लगा। ये इतना सुंदर है कि लोग हजारों मील से सिर्फ इसका दीदार करने भारत आते हैं। यह ना केवल दुनिया का अजूबा है बल्कि भारत का अभिमान व गर्व भी। लेकिन इसकी अद्भुत सुंदरता अपने अंदर न जाने कितने रहस्य संजोए बैठी है। ताजमहल के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं और उन्हीं में से एक प्रश्न का उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि ताजमहल के इतिहास पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देता है। जी हाँ, क्या ताजमहल भगवान शिव का मंदिर था? यह मैं नहीं कह रहा बल्कि प्रोफेसर PNO जो कि एक भारतीय लेखक थे उनकी थ्योरी कहती है। प्रोफेसर ओक का जन्म 1917 में हुआ था और 2007 में उनका निधन हुआ। 1980 के दशक में ओक की एक किताब इतिहास पत्रिका में उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने इतिहास को एक भंवर में लाकर छोड़ दिया। उनके अनुसार क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के बहुत बाद उत्पन्न हुए थे और उनका कहना था कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था बल्कि यह तो बहुत पहले से हिंदुओं के भगवान शिव का मंदिर था। उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रुथ स्टोरी में साफ तौर पर कहा था कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है और एक राजपूत भवन भी जिसका नाम तेजो महलिया था, जिसको कि शाहजहां ने बनाया नहीं बल्कि छीना था। उनका कहना था कि ताजमहल या कहे तो तेजो महलिया असल में हिंदू राजा जयसिंह ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक का साफ तर्क सहित कहना था कि महल शब्द किसी राजभवन को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, किसी मकबरे के लिए नहीं। ओक का कहना था कि जाने माने पश्चिमी प्राधिकारियों द्वारा यह कई बार कहा गया है कि ताज हिंदू मंदिरों के हिसाब से बनाया गया है और उनका कहना था कि प्राचीन मंदिर जैसे कि प्रम्बनन आदि का प्लान पूरी तरीके से ताजमहल से मेल खाता है। अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए ओक ने ताज की कुछ लकड़ी की मात्रा ली और उसका रेडियो कार्बन डेटिंग भी करवाया। ओक ने साथ ही भारतीय सरकार से ताजमहल को एक हिंदू मॉन्यूमेंट घोषित करने को कहा और साथ ही उन बंद कमरों को खुलवाने की अपील भी की जिसे भारतीय सरकार द्वारा नकार दिया गया। साल 2000 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ओक के इस आवेदन को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह घोषित किया जाए कि ताजमहल एक हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया था। तो यह थी वह थ्योरी जो कि यह कहती है कि ताजमहल असल में भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन सिर्फ यह थ्योरी ही नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल हैं और तर्क भी जो कि इसी तरफ इशारा करते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है। जिनमें सबसे पहला सवाल है कि आखिर ताजमहल के कुछ कमरे बंद क्यों हैं? इसके कई उत्तर मिलते हैं, जैसे कि मुमताज की कब्र का होना, या फिर यह भी कहा जाता है कि उन कमरों में कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है जो कि हवा के संपर्क में आते ही ताजमहल की नींव को कमजोर कर देंगे। लेकिन इन्हीं के साथ यह भी मान्यता है कि उन कमरों में भगवान शिव और हिंदुइज्म से जुड़ी कई चीजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से शाहजहां ने ताजमहल को छीनते ही इन कमरों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि इसकी सच्चाई कभी दुनिया के सामने ना आए। इसी संदर्भ में एक प्रत्यक्ष सबूत भी है जो इशारा करता है कि ताज शिव का मंदिर है और वो है इसके गुंबद के ऊपर का त्रिशूल। इस तस्वीर में आप ताज के ऊपर साफ तौर से यह त्रिशूल देख सकते हैं। त्रिशूल हिंदुइज्म में एक सिंबल है और मान्यता के अनुसार
यह भगवान शिव का अस्त्र भी होता है और यह त्रिशूल फिर उसी बात को दोहराने लगता है जो कि एक रहस्य है। खैर, ना ही मुझे ना ही आपको यह पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। ताजमहल चाहे शाहजहां ने बनवाया हो चाहे जयसिंह ने, यह इतिहास है और इसे इतिहास ही रहने देना चाहिए। ताजमहल हमारे लिए एक अमूल्य विरासत है। यह ना ही हिंदुओं का है और ना ही मुस्लिमों का, यह हम सब भारतीयों का है और हमें वर्तमान में केवल यही सोचना चाहिए कि कैसे हम इस अमूल्य विरासत को हमेशा के लिए संजो कर रहे हैं।